मेरा कॉलेज लियाकत गर्ल्स कॉलेज। आज जो हमने एक प्रोग्राम रखा था बच्चों के लिए, हमेशा ये दावा करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम कर रहे हैं कि मेहर ताबा सजा के कह दो अपनी किरणों को गिन के रख ले। चौधरी लियाकत साहब जो है उनकी सपोर्ट से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप आए हमारे कॉलेज का विजिट कीजिए। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा। मैं आगे आने वाले बच्चों को भी यही मशवरा देना चाहूँगी कि आप अपने कि दीना की कोई भी बच्ची बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कदम उठाएगी। मुझे ऑलमोस्ट मोर देन वन ईयर हो गया यहाँ पे काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉपर हैं दीना के। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुबशर हसन, डायरेक्टर लियाकत गर्ल्स कॉलेज दीना, आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा कॉलेज दीना का वो कॉलेज है कि जहाँ पे बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत का एहतमाम किया जाता है, और हम हमेशा ये दावा करते हैं कि वो जो हमारा विजन भी है कि मेहर ताबा सजा के कह दो अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को ख़ुद चमकना सिखा रहा हूँ। लियाकत गर्ल्स कॉलेज दीना एक ऐसा कॉलेज कि जहाँ पे इस विजन और मिशन के साथ काम हो रहा है कि दीना की कोई भी बच्ची अपने ख़ानदानी और अपने मुआशी हालात की वजह से घर ना बैठे, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि हर वो बच्ची जिसका ताल्लुक दीना और गेज़ो नवा से है वो अपनी बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए इस कॉलेज का चुनाव करे। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि बेहतरीन स्टाफ, बेहतरीन फैकल्टी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये दीना का एक वाहिद कॉलेज है जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। हमने हर हवाले से तरक्की की है, हर हवाले से अपने काम को बेहतर किया है। इसमें स्पेशली एक पॉइंट जो मैं आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ वो था हमारा पिछले साल का रिज़ल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में थर्ड ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने डिस्ट्रिक्ट जेलम के अंदर डबल मैथ और फिज़िक्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉपर हैं दीना के, और हमारी बच्ची नादिया बीबी जो अभी हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है उसके अंदर उसे अवार्ड भी मिलेगा, उसने डिस्ट्रिक्ट जेलम के अंदर टॉप करके पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात साबित कर दी कि लियाकत गर्ल्स कॉलेज दीना ही एक बेहतरीन इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इससे पहले दीना के किसी कॉलेज की ऐसी कारकर्दगी नहीं सुनी होगी, और मैं किसी पे तनकीद भी नहीं करना चाह रहा, मैं एक पैगाम है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। हम तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी काम कर रहे हैं, हम करियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, हम बच्चों की तरबियत के हवाले से तरबियती एक पूरा प्रोसीजर है उसके मुताबिक चलते हैं। दीना के गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हमारे पास है कि हमारा इम्तहान का एक पूरा सिस्टम है, और आज जो प्रोग्राम अभी कुछ देर बाद होने जा रहा है उसके अंदर भी आप देखेंगे कि किस तरह तालीम और तरबियत का एहतमाम किया गया है। हम अपने बच्चों को तालीम तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। पिछले साल हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि मैट्रिक के बाद जो बच्चियाँ हमारे पास आती हैं अच्छे नंबर्स लेकर 80% से लेके 80 से 85% तक जो बच्चियाँ होती हैं जिनके नंबर्स इतने होते हैं उन्हें इदारा मुफ्त तालीम देता है, और उसके साथ साथ टैबलेट्स जो है वो फराहम किए जाते हैं। उसके बाद जो इससे ऊपर नंबरों वाले बच्चे होते हैं, यानी आप कह लें कि 90 और 90 से भी ऊपर तक जो बच्चे जाते हैं, उनके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल एक स्कीम के तहत जो है वो हमने ऐलान किया था कि हम उन्हें लैपटॉप्स देंगे। अभी जो हमारी तकरीब होने जा रही है उसमें आप देखेंगे कि उन 4 बच्चियों ने क्वालिफाई किया था लैपटॉप्स के लिए, और 3 बच्चियाँ उन्हें टैबलेट्स के लिए, उन्हें भी जो एजाजी तौर पर ये चीज़ें दी जाएंगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह दीना की एजुकेशन के अंदर एक इनकलाब लाना चाहते हैं। हमारे जहन में है कि दीना की कोई भी बच्ची तालीम की कमी की वजह से कभी भी मायूसी का शिकार ना हो। हम इस विजन और मिशन के साथ काम कर रहे हैं, और इसमें बड़ा मैं समझता हूँ एक हाथ है हमारे बानी इदारा जनाब चौधरी मोहम्मद याकूब लियाकत साहब का, कि उनकी ये शबाना रोज़ मेहनतें हैं, उनका तआवुन है कि अल्हम्दुलिल्लाह लियाकत गर्ल्स कॉलेज दीना इतनी शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है।
हम आपको ये दरख्वास्त भी करते हैं और ये दावत भी देते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम देखें और उसके बाद फैसला करें कि आपकी बेटी के लिए, वो असल में हमारी भी बेटी है, आपकी बेटी के लिए कौन सा इदारा सबसे बेहतरीन तालीम, सबसे बेहतरीन तरबियत मुयस्सर कर रहा है। रिज़ल्ट के हवाले से बात कर दी, इम्तहानी निज़ाम के हवाले से बात कर दी, फैकल्टी के हवाले से अगर आप पूछेंगे तो मैं इस हवाले से एक ही बात कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी की हमारे पास एफिलिएशन है और पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से ये बात याद रखिएगा कि वो कभी भी किसी थके हुए इदारे को अपनी एफिलिएशन नहीं देती। वो टीचर्स जो आला दर्जे के हों उनको देखकर, उनकी कारकर्दगी को देखने के बाद ही पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो किसी इदारे को एफिलिएशन देती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन भी है। रावलपिंडी बोर्ड के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन, आप आएँ और देखें कि हम किस तरह फरोगे तालीम के लिए अपनी सारी मेहनतें, अपना सारा सरमाया जो है वो खर्च कर रहे हैं। दीना का एक ऐसा कॉलेज जो कम फीस में आपके बच्चे को आला तालीम के मौके देता है, लियाकत गर्ल्स कॉलेज दीना ही है। आज का हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और उसके बाद अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ महविश वहीद, प्रिंसिपल ऑफ लियाकत गर्ल्स कॉलेज। हम यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि आज बच्चियों की अप्रिसिएशन के लिए कॉलेज के अंदर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पैगाम देना चाहती हूँ और दावत देना चाहती हूँ कि आप आए हमारे कॉलेज का विज़िट कीजिए। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम कर रहे हैं और बच्चियों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जा रही है। आप आइए, विज़िट कीजिए और देखिए यहाँ पर हमारे कॉलेज में हम क्वालिफाइड स्टाफ और इक्विप्ड साइंस लाइब्रेरीज, लैब और लाइब्रेरीज मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आप और हम मिलकर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कदम उठाएंगे। थैंक यू सो मच। आज की इस बज़म के अंदर जितने भी मेहमानाने गिरामी हैं, तमाम अहबाब ज़ीवकार को और तमाम मोज़ज़ तालिबात को अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं मुल्तमिस हूँ सोबिया मुबीन साहिबा से कि वो आएँ और आयात बयिनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बागी खलील के कुलदेबा के हुजूर हदिया अकीदत पेश किया गया। अब मैं बिला तखीर मुल्तमिस हूँ हमारे आज के मेहमान खसूसी मोहतरम मुकाम इफ्तिखार हुसैन मलिक साहब से कि वो आए और अपने खसूसी अल्फाज से हमें नवाजे। चंद दिन पहले मुबशर साहब से मुलाकात हुई और अहवाल कॉलेज का ही था
सुन के बड़ी हैरत हुई कि अब तक ये इदारा हर महीने लियाकत साहब अपने पास से कुछ डोनेशन देते हैं और उसको चला रहे हैं। बेइंतहा हैरत हुई मुझे, 36 साल हो गए स्कूल चलाते हुए दीना के अंदर में, 500, 800 और 1000 रुपया फीस है। मैं सोचता हूँ मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। उसमें मैंने चारों बेटे अल्लाह के दाद ने पढ़ाए, चारों बेटे मास्टर्स कर गए। ये मेरा एजाज हुआ ऐसे उस्ताद, लेकिन ये एजाज है कि उस इदारे ने मुझे बहुत कुछ दिया और लियाकत साहब ने इसमें अब तक लगाया। I will be that. ये इनको इनके खानदान को मैं इस जमाने से जानता हूँ। 36 साल से तो खैर तालीम के सिलसिले में, किताबों के सिलसिले में इनसे ताल्लुक था, लेकिन इससे पहले हम ABCD अल मुस्तफ़ा बिजनेस कमेटी दीना के मनवारे इकट्ठे हैं। ऐसे लोग जिस दिन दीना में या दुनिया में ना रहे ना, फिर एहसास होगा कि नेकी करना कितना मुश्किल काम है। पैसा कमाना हर एक को आता है, इन्होंने कमाया तो आज यहाँ तक पहुँचे, लेकिन कई जगह कमाने की नहीं होती, वहाँ लगा के सुकून मिलता है। अब जिस अंदाज में ये इदारा चलेगा, मुबशर साहब उसके जो है वो खासा होंगे, उनके साथ बहुत अच्छी टीम है, हाफिज इरफान है, फिर शाह साहब हैं और किसी के साथ उनके पास पहले भी कंपनेंट था, लेकिन पहले थोड़ा सा खुरदरापन था। मैं वादे कह दूँ थोड़ा सा खुरदरापन था। 36 साल पहले जब मैंने इदारा शुरू किया था ना, तो दो दोस्त मेरे जो हैं वो डोर टू डोर गया जानकारी थी, दोनों में अभी महाजिर हैं, कराची से आए हैं और ये स्कूल छोड़ के भाग जाएंगे, इनके पास बच्चे दाखिल न कराना, मैं तो नाम लेने तो दोनों बहुत लोग मुझसे मिलने आते थे कि पागल है जो कराची से आती यहाँ स्कूल चला रहे हैं। हमने बस इखलाक में इतना बैठ जाते थे, इखलाक सबसे बड़ी चीज है। मेरे साथ बैठ के सफर करें आप और दिल में बात ना करें, मेरे साथ बैठ के इदारे को चलाने की बात ना करें, इस तरह खुलते अंदाज में इदारे नहीं चलते, बहुत लचक लानी पड़ती है। मेरे पास मिसालें हैं सैकड़ों बहुत जहीन किस्म के गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आज मामला कर रहे हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाना और अंदाज है, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना और अंदाज है। वो वहाँ खड़े होके एक बच्चे को कह सकते हैं, वो एक बात में बोलते हैं, लेकिन वही प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल पूछेगा तो कहेंगे बेटा बात में पूछा, दोनों ने एक ही बात है, लेकिन अंदाज का फर्क है। और वो अंदाज जिन जिन जब इदारों में है वो बहुत कामयाब होते हैं। मैं हर प्रदेशों पर उस बात का कि मैंने आज तक जो बच्चियाँ मेरी मुझसे कह के आई ना कि हम लियाकत कॉलेज जा रहे हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि मुझसे बहुत बेहतर जा रहे हैं, जबकि मैं भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आर्ट और आई कॉम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई बच्ची ये कहती है कि मैं लियाकत कॉलेज जा रही हूँ। ऐसे कॉलेज से जिन्होंने सिर्फ कारोबार ही किया, एक नाम दूसरा नाम तीसरा नाम बदलते गए, लेकिन कारोबार हर जगह नहीं होता, हर चीज़ में नहीं होता। मैं लियाकत साहब को इधर फिर उनकी तारीफ करूँगा कि खुदा इनकी आखिरत इस इदारे के नाम से संवारेगा इंशाअल्लाह। और ये बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं यहाँ पर, ये इनकी बख्शिश का सम्मान हो। पिछले दिनों मेरे तीन टीचर थे, मुझे वालिद फौत हुए, इफ्तिखार नाम उनको मारूम थे टाउन से, तो मैंने बच्चों का मेरे हमारा बाप अच्छा था बुरा था, लेकिन तुम लोगों की सही परवरिश की है इसने और मैं लिख के दे दूँ कि जन्म तक बात करके। तो लियाकत साहब जो हैं
वो जो इतनी बच्चियों को अपने खुलूस से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनकी आखिरत जो है किसी से भी छुपी नहीं होता। और अल्लाह ताला हमारी दीन भी भला करे, आखिरत भी भली करे। खुदा हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को कोरोना जैसे मर्ज से बचाए और सेहत के साथ ज़िंदगी दे, सेहत और सुकून के साथ मौत दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत शुक्रिया सर इफ्तिखार साहब, आप अपने खुसूसी कलिमात हमें दे रहे थे और अपने नेक जज्बात का इजहार कर रहे थे। अल्लाह ताला आपकी भी उम्र के अंदर है वो तरक्की अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए तालीम और तरबियत ये दो अहम चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए इंसान आगे पहुंचता है, और कोई भी इदारा इन दोनों चीज़ों का एहतमाम करता है। लेकिन इसमें भी हमें तालीम तो बहुत सारे इदारों में नज़र आती है, लेकिन तरबियत का फुकदान नज़र आता है। हम अक्सर ये लफ्ज़ सुनते भी हैं, कहते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तालीम और तरबियत। लेकिन हमारे मोहसिन, इस कौम के मोहसिन, वो ये समझते हैं कि ये तालीम और तरबियत नहीं बल्कि तरबियत और तालीम है। पहले तरबियत ज़रूरी है, उसके बाद तालीम ज़रूरी है, क्योंकि तरबियत का आगाज़ माँ की गोद से शुरू हो जाता है और तालीम का आगाज़ बाद में होता है। उनका मानना है कि तरबियत और तालीम के ज़रिए ही कौम को आगे बढ़ाया जा सकता है और अपने कदमों पर खड़ा किया जा सकता है। जैसे आप अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए उसकी वैक्सीनेशन दिलवाते हैं ताकि वो आगे जाकर जो बीमारी है, वो किसी किस्म की जो माजूरी है, वो उससे बच जाए। तो मेरे ये मोहसिन और कौम के मोहसिन वो भी ये चाहते हैं कि जो तरबियत की वैक्सीनेशन है ये हर एक तालिम और तालिबिल्म के लिए ज़रूरी है ताकि वो आगे जाकर तालीमी मैदान के अंदर कहीं लड़खड़ा ना पड़े और कौम को और उसके इज्जत और वकार को जो है वो बुलंद बालंद जगहों पर ले जा सके। मैं अब बिला ताखीर अपने उस मोहसिन और कौम के मोहसिन को जो है वो दावत खिताब दूंगा, आए और आपसे मुखातिब हूँ। मेरी मुराद डायरेक्टर लियाकत गर्ल्स वाले मोहतरम मुकाम मुबशर हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे, मेहरे ताबा को जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। नहायत वाजिब इहतराम काबिले सर तकरीब उस्तादा इकराम, बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज का दिन हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह का दिन नहीं होना चाहिए था। जो मेरे जहन में प्लानिंग थी इसकी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो गई और वो जो बड़ी तकरीब थी, एक बड़ा एनुअल डे का प्रोग्राम था, वो सुकड़ता सुकड़ता मार्च से लेकर सितंबर तक आ गया और इस शक्ल में आ गया। मैं आप सबका और बिलखसूस जो मेरी मादरे इल्मी है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना, उसमें से जो साजा किराम तशरीफ लाए उनका, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चकक्का से तशरीफ लाए उनका, और दीगर जगहों से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से जो आबाद तशरीफ लाए उनका, बिलखसूस मलिक इफ्तिखार हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमारे इदारे को इज्जत बख्शी और यहाँ पर तशरीफ लेके आए। आज का दिन बेसिकली कोई खिताबात या गुफ्तगू का दिन नहीं है, ये एक विजन था जो आपके सामने रखना मैं समझता हूँ ज़रूरी था। और मुझे आज इस बात पे सच्ची बात है कि बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ कि जो वाकया तक मुआशरे के अंदर कुछ कर रहे हैं, जो वाकया तक मुआशरे के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। मैंने जब लिस्ट बनाई
बहुत सारे दोस्तों से फ़ोन पर रब्ता भी हुआ, तो मैंने उन्हें एक बात जो खसूसन ये बात कही, अच्छा ये बात किसी के जेब में ये ना आए, तो मैंने उन्हें बड़ा खसूसन ये लफ्ज़ बोला कि मैंने कहा जी मैंने बड़ा छांट छांट के लोगों को बुलाया है, ये बड़े स्पेशल लोग हैं दीना और गिरदोनवा के कि जिन्हें आज की तकरीब में मधु किया गया, क्योंकि मैं समझता था और इसमें मेरी मुआवनत रही हमारे भाई है नवीद साहब, उन्होंने बड़ी मुआवनत की और आज का ये प्रोग्राम जो है वो आपके सामने तकरीब जो है वो मुनक़द है। एक चीज़ जिसका मलिक साहब ने भी इजाज़ फरमा दिया कि ये कॉलेज एक विजन के तौर पर बना है, जब मैं यहाँ पे आया मुझे बुलाया गया जो साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया, तो मैंने क्योंकि मैं एक ऐसे इदारे में काम कर रहा था जिसके पीछे एक बड़ा ब्रॉड विजन था, तो मैंने कहा जी मैं तो जाहिर है कि प्राइवेट इदारे में काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक विजनरी इदारे में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो इन्होंने कहा कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये भी एक विजन के लिए बनाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आके बैठा तो मैंने इनसे जब विजन की बात हुई कि इस इदारे का विजन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, किस स्लोगन के तहत हम चलेंगे, तो जो स्लोगन और जो विजन मेरे साथ शेयर किया गया वो उसमें एक चीज वन लाइनर अगर पेश करूं तो वो ये है कि दीना और गिरदोनवा की कोई भी बच्ची फीस की वजह से घर नहीं बैठनी चाहिए बल्कि लियाकत गर्ल्स कॉलेज उसकी तालीम और तरबियत के इंशाल्लाह नज़र में काम करे। जब मैं आके बैठा इदारे के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनके साथ निमटना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोहम्मद याकूब लियाकत साहब की सपोर्ट, इनके खानदान की सपोर्ट ने अल्लाह का शुक्र है कि आज जो इदारे का पहला नाम था उसकी जगह एक नया नाम जो है वो रोशन नाम जिसे मैं कहता हूँ वो आपके सामने है। और इस विजन के अंदर एक चीज और शामिल थी कि जो लाइव बच्चियाँ हैं दीना की सतह पर, दीना के गिरदोनवा में ऐसी बच्चियाँ कि जो पढ़ने वाली हैं आगे जाने वाली हैं, उनके लिए दीना के कॉलेज काम कर रहे थे। मैं किसी की तनकीद के लिए नहीं यहाँ पे खड़ा हुआ, हर इदारा अपने बेहतर मकसद लेके बेहतर विजन लेके काम कर रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लियाकत गर्ल्स कॉलेज का विजन ये था कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मुफ्त तालीम ना दी जाए, ऐसे बच्चे जो स्कॉलरशिप पे आते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुफ्त तालीम ना दी जाए, बल्कि हमने ऐसा से ये बात की कि हम ये चाहते हैं कि वो बच्चियाँ जो नंबर लेके आती हैं जिनके नंबर 90% से ज़्यादा होते हैं, हम चाहेंगे कि उन बच्चों को इदारे की तरफ से लैपटॉप दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो चार बच्चियों ने इसके लिए पिछले साल जो हमारे पास आई उनमें से चार बच्चियाँ ऐसी थी कि जिन्होंने इसके लिए क्वालिफाई किया, आज आपके सामने उन्हें भी लैपटॉप दिए जाएंगे। ये वो बच्चियाँ हैं कि जिनके नंबर 89% से लेके अबव तक है, फिर दूसरी कैटेगरी थी हमारी जो 80% से लेके 89-88.5 तक थी, उनके लिए इदारे ने टैब्स का इस्तेमाल किया है, जबकि तीसरी वो बच्चियाँ हैं कि जो हमारा इंटरनल इम्तहान होता है उनमें जिन बच्चियों ने टॉप किया है उनके लिए कुछ शील्ड्स हैं। अब जो इम्तहानी निज़ाम है मैं सिर्फ उसकी आपको बात बताऊँ, ये मेरी बच्चियाँ बैठी हुई हैं आप लोग इनसे भी बात कर सकते हैं कि मैं जब नया इम्तहानी निज़ाम इदारे में मुतारफ़ कराया तो मैंने बच्चों से बात करते हुए कहा कि जब आप इम्तहान देंगे इम्तहान देना शुरू होंगे तो मुझे पता है कि आप इतने पेपर आपसे लेंगे, क्योंकि सिस्टमेटिक है अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक निज़ाम जनरेट कर दिया था कि आप लोग तंग पड़ जाएंगे, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि जब आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठेंगे तो उस वक्त जब सारे लोग परेशान होंगे तो इंशाल्लाह अजीज आपके माथे पर परेशानी की एक शिकन भी नहीं आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा निज़ाम जनरेट किया इम्तहान का, टीचर्स टीचिंग स्टाफ जो है उसके अंदर हम बेहतरी लेके आए, और बेहतरी के लिए मैं जब लोगों से बात करता हूँ दोस्तों से बात करता हूँ तो ये सवाल अमूमन उठाया जाता है कि आपके पास कितना क्वालिफाइड स्टाफ है, तो मैं एक ही क्राइटेरिया बयान करता होता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखे पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी एफिलिएशन किसी इदारे को नहीं देती, अगर दीना के अंदर लियाकत गर्ल्स कॉलेज के पास पंजाब यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ तय कराऊं। मुझे इस बात का भी यकीन है कि जो मौजूद मेहमाना में गिरामी है वो मुख्तलिफ इदारों को देखते होते हैं, मुख्तलिफ इदारे आप लोगों ने देखे होंगे,
लेकिन हमारी जो लैब है उनको देखा होगा आपने, लाइब्रेरी को देखा होगा, ओवरऑल माहौल को देखा होगा। मैं चूंकि इस फील्ड में 10 साल से हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ, तो मैं ये दावा कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्राइवेट कॉलेज इतने ज्यादा पैसे लगा के इस तरह की लैब्स नहीं बना सकता जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, एक ही विजन है। और मैं ये चाहता हूँ, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आप लोग हमारे साथ तआवुन करें। मैं बिल्कुल दाखिलों के लिए आपसे तआवुन हरगिज़ नहीं मांग रहा, ना ये मेरा सेवा है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल सिर्फ एक साल के अंदर हमने तकरीबन 200 नए दाखिले किए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, लियाकत गर्ल्स कॉलेज का जो नाम है वो उसको कर रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप लोग जिस स्टेशन पर बैठे हुए हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो विजन मैंने आपके सामने बयान किया, सिर्फ और सिर्फ इस विजन की आवाज बन जाए ताकि कोई भी बच्ची, ऐसी बच्ची जो पढ़ने के काबिल हो, वो अपने घर ना बैठे। आखिरी बात करके मैं इस जो आज की तकरीब है इसको क्लोज कर रहा हूँ, फिर आप इंशाल्लाह इनामात की तरफ बढ़ेंगे कि अभी हम इस साल एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चियां आ जाती हैं, आपको भी पता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो बच्चे या फिर सी में बड़े शोर से बच्चियों के नंबर बड़े अच्छे हैं जी, प्री मेडिकल में बच्ची आ गई है, प्री मेडिकल में नंबर भी बड़े अच्छे ले रही हैं। अब हमारे यहाँ के वालदैन इस काबिल नहीं है कि वो 35-40 लाख रुपया लगा के अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए। इस साल हम एक नई स्कॉलरशिप जो बच्चों के लिए वेलफेयर का काम करेगी वो शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो बच्चियाँ हमारी एफ एस सी में प्री मेडिकल में क्वालिफाई कर जाती है इंशाल्लाह, लियाकत गर्ल्स कॉलेज बहुत बड़ी मुआवनत करने के लिए नई एक स्कीम मुतारफ करवा रहा है। इसका मकसद, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इसका मतलब मकसद आर्गेंस ये नहीं है कि कॉलेज को बार दिया जाए, नहीं, इसका मकसद और विजन एक है कि जो भी बच्ची है हमारी दीना और गिर्दोनवा की, वो तालीमी तौर पर कभी किसी से पीछे ना रहे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां इस काबिल हो जाएं कि जब भी दीना की बात हो, दीना की तालीम की बात हो, तो हमारा कंट्रीब्यूशन, लियाकत गर्ल्स कॉलेज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो। अब वो मरहला आ गया है जिसका तालिबान को बड़ी देर से इंतजार था।
मैं कहती हूँ कि ये सबसे बेहतर कॉलेज है, और जो भी है अगर आप बेस्ट कॉलेज की चॉइस करना चाहते हैं तो लियाकत कॉलेज इज़ बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा हलील है, मैंने लियाकत गर्ल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस कॉलेज में बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा है, 2 साल का हमने यहाँ पे वक्त गुजारा है और हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, और मैं आगे आने वाले बच्चों को भी यही मशवरा देना चाहूँगी कि आप अपने इस फैसले पर पछताएंगे नहीं अगर आप लियाकत गर्ल्स कॉलेज में आप अपना एडमिशन करवाएंगे। और सब इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ सर बशीर साहब की और कॉलेज की इंतजामिया की जिन्होंने हमें इल्म हासिल करने का ये सुनहरा मौका और बेहतरीन मौका अता किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिमरस दिका है और लियाकत कॉलेज में FSC प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, और आज यहाँ पर तकरीब हुई है जिसमें हमें यहाँ पर लैपटॉप प्रोवाइड किए गए हैं जो कि मेरी तलीमी कारकर्दगी की वजह से मुझे दिए गए हैं, तो मेरा तमाम बाकी जो तलबात हैं उनके लिए भी यही पैगाम है कि जो मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा, तो इसलिए मेहनत करें और ऐसे कॉलेज वगैरह में आएँ जहाँ पे आपको अच्छा स्टाफ मैसर हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इकरा निसा और मैं इधर लियाकत कॉलेज में एज अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। आज जो हमने एक प्रोग्राम रखा था बच्चों के लिए, उनको लैपटॉप और टैबलेट क्योंकि देने थे जैसा कि हमने उनसे वादा किया हुआ था, COVID-19 की वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा हमें छोटा करना पड़ गया और कम लोग इन्वाइटेड थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जो कॉलेज के डायरेक्टर सर मुबशिर और चौधरी लियाकत साहब जो है उनकी सपोर्ट से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि बच्चों को हमने लैपटॉप भी दिए हैं, टैबलेट भी दिए हैं, और वो बच्चे जिन्होंने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म किया था उनको हमने शील्ड्स भी दिए हैं, और यहाँ पे एज अ स्टाफ मेंबर मैं ये कहती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर हो गया यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन शायद ही मैं कहीं और जा के मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा या ऐसा स्टाफ या कोलीग्स मिलेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर मुबशिर की, मैम महविश की, कि उन्होंने इतना कुछ मुझे सिखाया है और इस लेवल तक पहुँचाया है। थैंक यू सो मच।